लाइट चालू है क्या? दो लाइट हो गया एंड लेफ्ट थैंक यू नमस्ते एंड थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द मीडिया हू हैव जॉइंड अस दिस इवनिंग on behalf of the L'Oréal Paris family, I thank you for being here. It's an important event because it talks about a very important issue about street harassment against women, but I think it holds true for both genders, and what's important is that people feel safe and protected. L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms, and they have the stand-up program against street harassment, and join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. घर में भी अपने मुझे बोलना घर में तो ये थी हम लोग ही पता करें मैम सेकंड मार ये सर बोल लो सेंटर मार करवा अरे अपने लिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बोले मैं बोला What am I supposed to say? Yeah. Good initiative taken by the street harassment. Sorry, it
is a very good initiative taken by the L'Oreal, the street harassment. What is your take on that? I mean, being a girl, all my life I have dealt with street harassment in my own small big ways. When we were younger, we used to rickshaws, we used to get scared if we saw a group of boys passing by because कभी-कभी कोई हाथ डाल देता था अंदर या कुछ कमेंट पास करता था, सो आई थिंक लाइक एवरी गर्ल स्पेशली इन द वर्ल्ड एक्चुअली बट आल्सो इन आवर कंट्री इन आवर सिटी वी सफर फ्रॉम दिस फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न. वी आर ऑलवेज केयर ऑफ वेयरिंग स्कर्ट्स और यू नो लो टॉप्स. कोई घूरता है, कोई कमेंट पास करता है, तो आई फील लाइक आई वांटेड टू बी हियर टू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्टॉप दिस बिहेवियर. मैम एक बार यहाँ पे सामने सेंटर पे बस 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 यहाँ पे सामने देखिए.
मंदिरा जी, मंदिरा जी सेंटर में आइए फातिमा पासिंग रे ये रुको 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 मेरे पे जगह तो हेलो आप कुछ काम कर रहे हो क्या फातिमा जी आपके सामने कर रहे हो फ्रेंड सामने भी फातिमा फातिमा रुको रुको मैडम मैडम रुको मैं हूं इधर स्लाइड भी नहीं है क्या करें फ्लैश मार ठीक हो गया ना ठीक हो ये थोड़ी देर आगे दे ना ये भाई अरे थोड़ी देरी दे ये हो गया तो बताओ एक मिनट आगे मोबाइल जरा बाटी जरा मोबाइल अरे दोन मिनट मैडम अरे फ्लैश मध्ये कवर होतोय जरा मोबाइल काढ ना भाई एक मिनट मैडम फोकस चलो आओ ब्रेक हाँ बस अरे लाइट क्यों चेंज कर रहे हो बार बार लाइट अलग अलग मार रहा है अरे हम मोबाइल वाला फोन है भाई अरे फोटो अपने के लिए जगह रखो यार नहीं तो मैं जा रहा हूँ धक्का कर दिया धक्का नहीं मारा मैंने ये वाले ये पे देखिए यो सेफली सेंटर में आइए ना सेंटर मैं यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे बस सेंटर इधर अलग टोन मिल रहा है लाइट अलग भी है बोल रहा हूँ महेश अभी हाथ यहाँ पे सामने सेंटर काम कर माला तो त्रास होता सारा अंगार होते सेंटर एक बार यहाँ पे सामने आ गए अदिति सेंटर जी, ये सर ना सर, ये बहुत भी हो गया ना, इधर इधर, हम लोग आगे बस, हम ये
आइए सर इधर आइए इधर इधर आगे सेंटर में जो नंबर आते हैं ना सेंटर गुरु सामने आइए ना गुरु बस इधर आइए और इधर आइए थोड़ा एक्सक्यूज मी यहां पे सेंटर 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 बोतों के सेंटर गुरु इधर आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. इनफैक्ट मैं और दीपिका यही बात कर रहे थे हमारे पास हमारी दो बेटियाँ हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. लोगों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट बहुत दीपिका के कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे साथ डिस्कस करी थे मुझे सिखा रही थी. Stop it. I do not know the exact thing. You try and document. So it's a very nice way of मतलब होता है पर हम सबको हमेशा से लगता था कि सड़क पे निकलोगे तो थोड़ा सा हरासमेंट होगा. ये एक कंप्लेसेंट एक आइडिया और एक एटीट्यूड होता है बट इस कंप्लेसेंसी को हटाना जरूरी है. सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं and intervene and you know help the situation. So I think it's a great initiative. It's a great great initiative. Women reservation bill bhi pass ho gaya hai to kya kehenge iske bare mein? Kya bol rahe hain? Women reservation bill. Oh acha. Acha iske bare mein mujhe turant idea nahi hai. Kya hai kya wo? Women reservation bill. One third women jo hai mil sakti hai Lok Sabha aur Rajya Sabha mein. Are lovely lovely. बहुत ही अच्छा फिर तो एब्सोल्युटली इट इज़ अमेजिंग बिकॉज आई मीन एज लॉन्ग एज यू नो विमेन एंड मेन डू नॉट कम इन द सेम प्लेटफॉर्म मतलब एक इक्वल जगह दोनों को नहीं दिया जाए आई थिंक जो पावर है एक औरतों के अंदर टू जो ऑलरेडी है तो उसको यू नो इम्प्लाई करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए. तो व्हेन देयर इज रिजर्वेशन एंड आई एम लाइक ग्लैड दैट इट इज़ हैपनिंग विद स्पेशली आई मीन आई वाज ऑलवेज बिलीविंग इन दिस स्पेशली आफ्टर हैविंग टू डॉटर्स. अब तो ऐसा लग रहा है आई मीन द वर्ल्ड हम झंडे लेके निकल पड़े हैं हमेशा से. एक्चुअली हम लोग थे भी ऐसे. मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बेटियाँ होने के बाद ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए औरतों के लिए जो भी हो अच्छा हो और हमेशा होता रहे अच्छा. मैडम त्याला पूर्ण लुक द्या त्याला धावे का पिक्चर भी कम कम ना राहू दे अंदरे का घे आवाजन द्या काही लेफ्ट में काही लेफ्ट मालूम है पसंद का क्या बोल रहा है. थैंक यू इधर साइड साइड थोड़ा इधर आइए साइड आएगा एक दो फ्रेम मार जा जा.
सारी मोबाइल का पीछे ले अभी तो भगवान बने मैम अभी आगे दिख रहा है सही राइट सेंटर में इधर मेरे पास सही राइट में आ रहे कैसा है क्या करेंगे हेलो भाई लोग सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं थैंक यू और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड अप अगेंस्ट स्पीड हैरेसमेंट जो है मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू फील सेफ स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर जब लोग कैट कॉल करते हैं एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड सो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है 1/3 रिजर्वेशन हो गया है हमारे हाउसेज में तो क्या कहेंगे उसके बारे में कॉन्ग्रेचुलेशन सॉरी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है उसके बारे में क्या कहना है आपको ओह आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड ऐसी ही चीज़ें आगे बढ़ती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया सो आई एम रियली ग्लैड अरे पूरा केबल आ रहा है केबल तो निकाल दिए सर चलो भाई कोई पूछ रहा है कुछ सर सबसे पहले क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट आई थिंक इट्स अ ने जिसको पहले दिया उसको आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय लॉरियल एंड सी द फैक्ट दैट एम्पावरिंग द बाईस्टैंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट because we mostly hear that you know how difficult it is to help someone those stories we hear but we do not hear the stories of empowerment I think the fact that how the empowerment like a brand L'Oreal has been able to you know help people in terms of helping others if they see something how can they practically find solution what are the first steps they have to take I think this campaign is very very important campaign which teaches you how to help someone when you see street harassment and it's not only limited to the metros I think you should reach out to the larger audience and I hope this will be covered by everyone in terms of a great initiative रिसेंटली सी बी एफ सी बोर्ड पे मैडम 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 या मैम
Against street bullying, or the turnout is amazing, and I think the message is very, very strong. So I'm very proud to be here. Samira ji, women reservation pass ho gaya hai. I can't hear you. I'm so sorry. Women reservation bill bhi pass ho gaya hai. So uske baare mein kya kahenge aap?
सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस स्टैंड अप और वुमेन के जो है क्या कहेंगे उसके बारे में? यही कहेंगे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कैंपेन है जो काफ़ी सालों से लॉरियल सपोर्ट कर रहा है और आई थिंक औरतों को लेके काफ़ी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं, काफ़ी ऐसी अवेयरनेस आ रही है जो जिसकी बहुत ज़रूरत है हम सबको. सो वेरी प्राउड ऑफ लॉरियल फॉर डूइंग दिस एंड सपोर्टिंग इट विद ऑल माय हार्ट. मैं इसीलिए मौजूद थी क्योंकि मैं बिल्कुल इस डिसीजन को लेकर, इस बिल को, बिल के पास होने को लेकर बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, बहुत खुश हूँ कि काफ़ी सालों बाद सही लेकिन हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे औरतों के पास बहुत पावर पोजीशंस होंगी, जहाँ पे वो सच में सोसाइटी में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे हमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं सही तरीके से. सो बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी और उनकी पूरी टीम को कि ऐसा कुछ हुआ एंड मच मोर पावर टू ऑल द वीमेन आउट देयर एंड मे वी गेट मोर मे वी गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. थैंक यू.